Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about some major information or brief information about India. What is the area of India? Then after, what are the different water bodies which surround India in the south, northeast and northwest? Then after, which is the major landform which bounded India in the north? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे चारों तरफ अगर बाउंड्रीज की बात करें, नॉर्थ में हमारे यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमालयन रेंजेस हैं, उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे अरेबियन सी है और साउथ में हमारे यहाँ इंडियन ओशियन है। अब हम बात करें लोकेशन की, अगर वर्ल्ड में हमारी लोकेशन की बात करें, ग्लोब पर हम अपनी लोकेशन ढूंढने का प्रयास करें तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो इससे पहले हमने एक लेसन पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, longitudes and latitudes. और longitudes और latitudes किस काम आते हैं? To find out location. अगर दोनों में पता हो तो हम उस country की location ढूंढ सकते हैं globe के ऊपर। अब इसका बताया गया था कैसे ढूंढ सकते हैं। जब longitude latitude कराया गया तो बताया गया था कि location कैसे ढूंढ सकते हैं हम। अब मान लो ये हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा globe है, ये बिल्कुल बीचों बीच 0 degree, ये तो इस प्रकार की लाइन होती है लेटिट्यूड। ये ऐसी लाइन होती है, कौन सी होती है? लेटिट्यूड। और 0 degree लैटिट्यूड की बात करें तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। 0 degree क्या होता है? इक्वेटर। और ये इस प्रकार की लाइन होती है, कहलाती है लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसे ही। अब लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें देखा है कि हमारा भारत है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हम पढ़ेंगे तो उसके सामने साफ साफ अन लिखा होगा तो इंडिकेट करता है नॉर्थ, अस लिखा होगा तो साउथ। तो इसमें हमारे जो देखो लैटिट्यूड की बात है इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब वैसे नॉर्थ में आते हैं, दोनों लैटिट्यूड हमारे नॉर्थ के हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा हो गया? इक्वेटर से नीचे का साउथ, ऊपर का नॉर्थ। तो हम किस में आते हैं? इसमें आते हैं, ये जो हिस्सा है हमारा इसके अंदर आते हैं हम, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया नियरली अबाउट टू इक्वल हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी लगभग भारत के बीचों बीच है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आपको लैटिट्यूड पता है? कितने लैटिट्यूड पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 degree 30 minute। और अब इसमें आगे क्या लगाना है? नॉर्थ में कि साउथ में? ये है नॉर्थ। ये अब देखो ये हमें बीचों बीच कैसे डिवाइड करता है। अब हम भारत की देखें तो अपने आप पता चल जाएगा भारत का लैटिट्यूड कितना है, 8 degree 4 minute, यानी 0 degree 0 से थोड़ा ऊपर जाए 8, तो लगभग यहां 8 degree 4 minute। और भारत का ऊपर का लैटिट्यूड कितना है? 37 degree। अब थोड़ा सा ऊपर चले जाए या जाएगा 37 मान लिया हमने यहाँ। अब इसमें देखें तो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना 23 पर है, यानी 8 से 15 इधर, 23 से 14 इधर, तो लगभग बीच में आ गए। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 पर है, 23 and 30, तो ये बिल्कुल बीचों बीच, भारत के बीचों बीच है। अब हम देखा भारत है कहाँ, हमें तो लैटिट्यूड पता था तो कभी नहीं पता भारत कहाँ है। हमें ये पता है भारत इन दो जगह के बीच में है, लेकिन इसमें नॉर्थ लिखा हुआ है तो यानी इस साइड इक्वेटर से ऊपर, लेकिन हमें ये नहीं पता है कहां, इन दो में कहीं भी है। अब हमें उसके लिए पता करेंगे क्या थी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड भारत कितना? 68 degree 7 minute। अब लॉन्गिट्यूड ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इसमें देखो साथ में लिखा ई, इसका मतलब ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो इधर 68, इधर 68 मान लो यहां आता है, तो अब हमें पता चल गया भारत यहां से लेके यहां इनके बीच में है। अब हमें उधर नहीं पता उधर कितना आगे तक है। अब हमें दूसरा मिलेगा 97 degree 25 और 97 मान लो 1 2 3 4 68 या 97 यहां आ गया तो अब हमें पता चल गया भारत कहां है भारत ईस्ट जगह के बीच में है ये इंडिया है यानी ग्लोब पर हमें लोकेशन ढूंढनी है तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए भारत के लैटिट्यूड कितने हैं 8 degree 4 minute north तो 37 degree 6 minute north और लॉन्गिट्यूड 68 degree 7 minute east से 97 degree 25 ईस्ट तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को बीचों बीच डिवाइड करता है, मैंने बताया कि 8 से 37 निकालोगे लगभग, इसका मिडल निकालोगे तो 15 8 से 15 23 और 15 में फिर आप जब 38 के आसपास बनता है तो लगभग बीचों बीच डिवाइड कर रही है।
अब अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो लोकल टाइम क्या होता है, वहां का लैटिट्यूड कितना, उसके अनुसार होता है लोकल टाइम। वहां का लॉन्गिट्यूड कितना, सॉरी लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड कितना है, कैसे, एक डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट, एक डिग्री कितने के बराबर था, 4 मिनट के बराबर। अब मान लो हमारे यहां अगर किसी भी लॉन्गिट्यूड को लेते हैं हम, तो मान लो हमने यही ले लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 4 7 28 और 4 9 36 और 2 388 और उसमें 25, ये 30 होता मतलब हाफ, और अगर ये 60 होता तो पूरा 98 हो जाता, क्योंकि हम मिनट और सेकंड में काउंट करते हैं, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो हमने मिनट का निशान लगाया, यानी 25 सेकंड है ये, अगर ये 60 हो जाते एक मिनट पूरा हो जाता 97 पर आ जाता, तो अभी क्या है ये लगभग हाफ, तो हाफ डिग्री का क्या माने हम, एक डिग्री में 4 मिनट 2 मिनट, तो ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 390। अब 390 क्या हो गई, ये 390 मिनट है। अब इसको आवर में कन्वर्ट करना है, घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये लगभग कितना आएगा हमारे पास, लगभग हमारे पास 6.5 घंटे आ जाएंगे, 66 का 360 और हाफ, लगभग 6.5 घंटे, यानी 97 के ऊपर तो टाइम में होगा वो ग्रीन विच से 0 डिग्री से 6 घंटे आगे होगा, यानी वहां 12 बजे होगी तो वहां 6:30 बजे होंगे, तो हमारा लोकल टाइम हर जगह अलग होगा, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड पर। इसलिए हमने क्या एक्सटेंडेड मेरिडियन बनाया इंडिया में, एंड दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट। अब उसी 82 डिग्री 30 मिनट का टाइमिंग अगर हम ऑब्जर्व करना चाहे, देन वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई 82 बाई 4, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, देन 82 इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई 82 बाई 4, तो उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड टाइमिंग विच वी आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मीन टाइम के ऊपर जो समय होगा उससे इतना समय ईस्ट में आगे होगा, तो हम लगभग कितना 5.5 घंटे आगे ग्रीनविच में। अगर उस टाइम पर 12 बजे है तो देन इन इंडिया इट इज 5:30, देन इट इज 5:30 इन इंडिया। तो ये हमारे यहां 1 डिग्री इन द ईस्ट इज इक्वल टू 4 मिनट अहेड इफ इट इज इन द वेस्ट। अगर यही 1 डिग्री वेस्ट में होती देन इट इज बिलो दैट पार्टिकुलर ग्रीनविच टाइम, उससे पहले का समय होता 4 मिनट। तो ये हमारे यहां है इसके समय के मापने के लिए, इसलिए हमने पूरे देश में एक टाइमिंग रखने के लिए बाद में हमने एक्सटेंडेड मेरिडियन बनाया। वन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज यूज्ड और दैट इज द मिडिल टाइमिंग फ्रॉम दिस लॉन्गिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री के बीच का समय निकाल लिया हमने, तो इसका बीच का समय निकालेंगे दोनों के बीच का, तो लगभग 82 डिग्री के आसपास, तो 82 डिग्री 30 मिनट को हमने हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन माना। 82 डिग्री 30 मिनट इज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, एंड द होल टाइमिंग ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम देयर ओनली, और भारत का पूरा समय वहीं से मापा जाता है 82 डिग्री 30 मिनट से, और वही पूरे भारत में एप्लीकेबल है वो समय, तो वो होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी देश, उसमें हम देखेंगे लैंड बाउंड्री कितने कंट्रीज के साथ लगती है, और ओशियनिक बाउंड्री और जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पड़ोसी, और कौन सी वाटर बॉडी से या लैंड एरिया से दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, भारत से अलग हुए। इफ यू आर इन डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस।